हे दोस्तों, आप सबका स्वागत है प्रोडिंग लुक्स में। मैं हूं अंजन। आज एक और खास वीडियो है, फोटोशॉप का ही ट्यूटोरियल है दोस्तों। आने वाले जो भी और दो तीन वीडियो होगा फोटोशॉप का ट्यूटोरियल ही होगा, क्योंकि इतने दिन मैंने लगभग एक महीना मैं वीडियो नहीं बना पाया, मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी था। तो इसलिए मैंने बहुत ही एक खास वीडियो बनाने की कोशिश की फोटोशॉप में, कैसे आप फोटोशॉप में बैकग्राउंड चेंज करेंगे एंड प्लस डेप्थ ऑफ फील्ड। बैकग्राउंड चेंज करने पे ही फोटो जो है एडिटिंग, जो एक सिनेमैटिक लुक ऐसा क्रिएट नहीं होता, आपको डेप्थ ऑफ फील्ड देना पड़ेगा, कलर को अच्छी तरह से करेक्शन करना पड़ेगा, कलर मैच बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो कैसे दोस्तों, वही मैं इस ट्यूटोरियल में आपको सिखा दूंगा। तो चले वीडियो पे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका एक कॉपी बना लेते हैं, कंट्रोल एन जे। फिर पेन टूल को सिलेक्ट करके सब्जेक्ट एंड नीचे जो फोरग्रेड जगह है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं ऐसे धीरे धीरे। आपको बहुत ही सावधानी से करना है, पेन टूल बहुत ही एसेंशियल होता है फोटोशॉप में। अच्छी तरह से इसको सिलेक्ट करना है। तो इसको अभी कर देते हैं दोस्तों फास्ट। एंड तो दोस्तों सिलेक्शन हो गया। अभी मास्किंग करना पड़ेगा। सिलेक्ट एंड मास्क पे चलिए, थोड़ा सा फेदर कर दीजिए एज को एंड ओके। फिर मैं सब्जेक्ट जो है उसका एक कॉपी बना लिया एंड बैकग्राउंड जो है उसका भी एक कॉपी बना लिया। अब मैंने बैकग्राउंड का जो पीछे वाला हिस्सा है, सब्जेक्ट के पीछे वाला हिस्सा, ये जो पेड़, इसको मैंने रिमूव कर दिया। तो मेरा सब्जेक्ट एकदम बहुत ही बढ़िया सिलेक्शन हो गया दोस्तों। अभी मैं बैकग्राउंड पे एक हिल्स वाला एक पिक्चर लगा दूंगा। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए दोस्तों, पीछे मैंने एक माउंटेन का पिक्चर ऐड कर दिया है बैकग्राउंड में। एंड अभी मैंने जो ब्राइटनेस है उसको ज़्यादा लिया एंड फिर मास्किंग करके जो हाइलाइटेड एरिया है उसको थोड़ा सा मैंने ब्राइट करने की कोशिश किया। जो हाइलाइटेड एरिया है दोस्तों, हर जगह नहीं, सिर्फ सब्जेक्ट के ऊपर। तो ऐसे ब्रश टूल को सिलेक्ट कीजिए एंड नीचे फोरग्रेड जो है, फोरग्राउंड, सॉरी दोस्तों, फोरग्राउंड जो भी आपको जगह पे हाइलाइटेड चाहिए, हाइलाइट चाहिए उस जगह पे आप हाईलाइट कर सकते हैं। एंड बैकग्राउंड जो है दोस्तों उसको थोड़ा सा मैंने गर्शियन ब्लर कर दिया ताकि डेप्थ ऑफ फील अच्छा आए। एंड हाइलाइटेड जो भी एरिया है मैं थोड़ा सा उसमें लाइट ऐड कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। फिर से मैंने एक कॉपी, एक लेयर लिया है दोस्तों एंड थोड़ा सा मैं अभी जो शेडो है, मतलब लेफ्ट साइड पे सन है, लाइट है, तो राइट साइड पे शेडो गिरेगा, तो इसलिए मैंने सब्जेक्ट का थोड़ा शेडो ब्लैक कलर को यूज़ करके ब्रश के थ्रू मैंने यहाँ पे शेडो डाल दिया। अभी थोड़ा सा इसका ऑपेसिटी कम कर दीजिए एंड गर्शियन ब्लर थोड़ा सा। तो देखिए दोस्तों, ये ऑलमोस्ट ओरिजिनल शेडो ही लगता है। एंड बाहर अगर थोड़ा निकल जाए तो आप इरेज टूल से थोड़ा सा इरेज कर दीजिए, तो ये ओरिजिनल ही लगेगा। देखिए दोस्तों, एकदम ओरिजिनल शेडो, बस ऑपेसिटी को ठीक कर दीजिए, ज़्यादा नहीं एंड कम भी नहीं, एकदम बैलेंस पे रहना चाहिए।
उसके बाद कैमरा रॉ फिल्टर पे चलते हैं एंड कलर करेक्शन को बहुत ही ध्यान से करना है दोस्तों। इसको बोलते हैं कलर मैच। देखिए दोस्तों, फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड इस दोनों का जो ग्राउंड का कलर है वो ऑलमोस्ट सेम है दोस्तों, तो ऐसे ही आपको कलर को भी ठीक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी कलर दे दिया, नहीं दोस्तों, वो रियलिटी नहीं लगेगा। आप जब भी इस पिक्चर को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ओरिजिनल हिल के पास ही है, मतलब ये एडिटेड है ही नहीं, ऐसा ही फील आएगा। तो एडिटिंग प्रोसेस को आप देखते रहिए बहुत ही ध्यान से, एंड वीडियो को तो मैं कहूँगा डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों, एंड अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी सीखे, आप भी सीखे। तो देखिए दोस्तों, बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड कलर मैच ऑलमोस्ट हो गया। अभी कंट्रोल ऑन्टल शिफ्ट एंड ई प्रेस करके ऑल सिलेक्ट कर दीजिए। फिर मैंने यहाँ पे एक लिया लिया है एंड लेफ्ट साइड पे थोड़ा एक सिनेमैटिक लुक देने के लिए मैंने थोड़ा सा डार्क शेडो ऐड किया है एंड इरेज़ टूल से थोड़ा बहुत सब्जेक्ट के ऊपर जो भी डार्क शेडो गिर गया वो हटा गया। एंड लेकिन दोस्तों, डार्क शेडो को हमेशा गर्शियन ब्लर कर दीजिए एंड थोड़ा सा ऑपोसिटी लो कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों, मैंने थोड़ा यहाँ पे कलर ऐड करने की कोशिश की, जो कलर मुझे नेचुरल लग रहा था एंड बहुत ही अच्छा लग रहा था, मैंने उसे ऐड किया है। आई होप कि आपको भी अच्छा लगेगा दोस्तों। कोशिश हमेशा यही रहती है दोस्तों कि बहुत ही अच्छा करूं, आप सबको बहुत ही अच्छा कुछ सिखा पाऊं, अच्छा ट्यूटोरियल दे पाऊं। तो ये वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए, एंड नेक्स्ट वीडियो में जाने से पहले उसका ट्रेलर। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी दिवाली। पर क्लिक कीजिए एंड हम